हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। मनाली में विंटर का महीना चालू हो गया है और अच्छी खासी बर्फबारी हुई है मनाली के मॉल रोड में। तो आज का तारीख है 14 जनवरी 2023 और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और आपको चारों तरफ अच्छा खासा स्नोफॉल देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अभी विजिट करेंगे मनाली के मॉल रोड को और देखेंगे वहाँ का भी कैसा माहौल है, कितनी बर्फ है और वहाँ का भी एटमॉस्फेयर कैसा है। तो जा रहा हूँ मनाली के मॉल रोड की तरफ और ये रास्ते का व्यू, इस तरफ बर्फ़ पिघल रहा है रोड पे, लेकिन इधर तो आपको बर्फ़ जमी हुई दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से मनाली मॉल रोड पहुँचने में मुझे अभी 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, दुकान अभी खुलने चालू हुए ही हैं, 9:30 बजे का टाइम है। ज़्यादातर दुकानें तो बंद ही हैं, लोग भी सोए हुए ही हैं, तो आपको इक्का दुक्का ही लोग दिखाई देंगे बाहर। मैं अभी मनाली मॉल रोड की तरफ जा रहा हूँ, तो बर्फ इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल वॉक करके नहीं जाया जा रहा है। जहाँ 10 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट का समय तो बिल्कुल लग जाएगा। तो ये आज का व्यू है मॉल रोड का जाते हुए। कल का यदि आपने देखा होगा मनाली मॉल रोड का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें तो बहुत कम बर्फ थी। और इधर नदी देखेंगे, नीचे ब्यास नदी बह रही है तो पत्थरों पर भी सारा बर्फ लगभग गिर रखा है। तो अच्छा खासा माहौल हो रखा है मनाली का, इस तरह का माहौल हो रखा है। और सामने उस तरफ मनाली का मॉल रोड, तो चलते हैं मॉल रोड के पास। और ये पहुंच गए हैं हाईवे के पास, मनाली टू सोलंग वैली अटल टनल ले लद्दाख वाला। तो हाईवे के पास का माहौल देखिए, ये नेशनल हाईवे है और बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। और इधर सीढ़ियों से चल के मैं पहुँच जाऊंगा ऊपर मनाली के मॉल रोड के पास। और चारों ओर का ये खूबसूरत व्यू, ये पहुंच गए हैं बिल्कुल मनाली के मॉल रोड के पास। तो ये सर्कल से सीधा रास्ता चले आता है ओल्ड मनाली की तरफ और हिडिम्बा मंदिर की तरफ। यहाँ भी अच्छी खासी तो बर्फबारी हो रखी है और गाड़ियाँ कहीं कहीं फंस भी रखी है। तो फाइनली पहुँच गए हैं मनाली के मॉल रोड पे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे होंगे कुछ, और मनाली के मॉल रोड पे इस सीजन में अच्छा खासा बर्फ़ देखने के लिए मिल रहा है। तो आज तो 14 जनवरी है, शुभ दिन भी है, मकर संक्रांति का दिन है। तो मकर संक्रांति के साथ ही साथ लोग स्नोफॉल को भी अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं मनाली के मॉल रोड पर। मनाली के मॉल रोड पे आप इस तरह का स्नो देखना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं, तो यदि आप जब स्नोफॉल हो अच्छा खासा मनाली के मॉल रोड पे और इसी के आसपास यदि रह रहे हैं आप, तभी आप यहाँ पे बर्फ़ देख पाएंगे, क्योंकि दोपहर होते होते ही लगभग आपको यहाँ से बर्फ़ गायब हो जाएगी। तो मुश्किल से यहाँ पर 3 से 4 घंटे ही बर्फ़ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें भी नहीं खुली है, तो दुकान भी लगभग बंद है। तो जैसे जैसे दुकान खुलेगा तो दुकान वाले बर्फ़ हटाना चालू कर देंगे, सामने से लोगों की भीड़ बढ़ेगी, लोग भी चलने लगेंगे। तो बर्फ़ मुश्किल से दोपहर होते होते मनाली के मॉल रोड पर पिघल जाएगा। तो इसीलिए जो लोग ख्वाहिश रखते थे कि मनाली के मॉल रोड पे बर्फ़ कब मिलेगा, तो यदि प्रॉपर मनाली टाउन में है, इसी के आसपास रह रहे हैं मनाली मॉल रोड के आसपास, तो पैदल चलकर यहाँ पर यदि वो पहुँच जाते हैं जब अच्छा खासा स्नोफॉल होता है, तभी वो मनाली के मॉल रोड पे इस तरह का बर्फ़बारी देख पाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे। तो सुबह सुबह मनाली के मॉल रोड पर अच्छा खासा स्नो हो रखा है। तो फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए दुकानें तो लगभग बंदी है और लोगों की भीड़ भी लगभग ना के बराबर ही है, कुछ लोग ही होंगे मनाली मॉल रोड पे, मुश्किल से गिनती के 100 या 150 लोग होंगे। तो इसीलिए भीड़ कम है और बिल्कुल खुला खुला है। इस तरफ कुछ दुकानें खुलना चालू हुई हैं, इधर शेर पंजाब होटल है, सत्यम होटल है, टी स्टॉल इस तरफ खुल गए हैं गरम गरम चाय पीने के लिए। इधर ये टी स्टॉल है मनाली मॉल रोड पर ही स्थित, और अंदर की तरफ आएंगे तो इधर लोग कम चले हैं, तो इधर अच्छा खासा बर्फ़ देखने के लिए मिल रहा है, स्नो देखने के लिए मिल रहा है। तो सामने देखेंगे तंबोला लिखा हुआ है दूर, तो वहीं तक है मनाली मॉल रोड का एंड भी। तो अच्छा खासा स्नो है सुबह सुबह के टाइम में, और मनाली के मॉल रोड में अच्छी खासी ठंड भी है। लोगों की भीड़ लगनी चालू हो गई है मनाली के मॉल रोड पे, तो जो आजू बाजू थे वो बिल्कुल चल कर आ रहे हैं मनाली के मॉल रोड पे, और बर्फ़ देखने के लिए तो मिल ही रहा है उन्हें अच्छा खासा सुबह सुबह के टाइम।
टाइम में, और इस तरफ देखेंगे ध्यान से तो जहाँ पर लोग चल रहे हैं वहाँ पे बर्फ दबना चालू हो गया है, मतलब बर्फ लगभग गायब होना चालू हो गई है। और इधर लोग कम चल रहे हैं इस तरफ तो वहाँ ठीक ठाक अभी भी बर्फ बना हुआ है। और सामने है मंदिर, दुर्गा मंदिर है दुर्गा माता का यहाँ पे प्रॉपर मनाली माल रोड पर ही, तो यहाँ विजिट करके माथा टेकना चाहे, दर्शन करना चाहे मंदिर में तो दर्शन भी कर सकते हैं। और जिसकी बात कर रहा था मैं कि दुकान खुलेगा लोग बर्फ हटाना चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे बर्फ हटाना भी चालू कर दिए हैं। सामने देखिए तो स्नो इसी तरह हटाना चालू कर देंगे जैसे जैसे दुकान खुलेगा, ओपन होगा, तो इसीलिए बर्फ धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाएगी। एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे, लेकिन बर्फ तो चाहिए बिल्कुल मनाली के मॉल रोड पे चारों तरफ जो विजिट करते हैं और देखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने बोला 3 से 4 घंटे ही सुबह होने के बाद मनाली के मॉल रोड पर बर्फ मिल पाएगा, और उसके बाद तो मिलना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पहुँच गए बिल्कुल, यहाँ पर है गवर्नमेंट बस अड्डा HRTC का इस तरफ, तो बस अड्डे में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, देखकर तो लग ही रहा है, पता चल रहा है। और इधर अंदर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर ये है मनाली के HRTC के बस अड्डे का व्यू। तो फिलहाल तो यहाँ पर कुछ ही बस खड़ी है, होता क्या है बर्फबारी होती है तो सारी बसें नीचे की तरफ चले जाती है कुल्लू बस डिपो में, नहीं तो यहाँ पर फंस जाए फिर, और फिर गाड़ियाँ चल नहीं पाए। बर्फबारी चालू हो जाती है तो आपको मनाली के बस अड्डे से बस भी नहीं मिलेगा नीचे जाने के लिए, और किसी तरफ जब ये बर्फ साफ हो जाएगा तभी यहाँ पर बसें लगना चालू होंगी और फिर बसेस का सर्विस रेज्यूम होगा, स्टार्ट होगा। तो बेहतर जानकारी तो यहाँ पर पूछताछ जो यहाँ पर विभाग है मनाली के बस स्टैंड में, वही आपको सही जानकारी दे पाएंगे कि बस का ऑपरेशन या बस चलना कब से चालू हो पाएगा। और बस अड्डे से बाहर आते हुए इस तरफ आ गए हैं सामने की तरफ, तो इधर लगा हुआ तंबोला, लॉटरी सिस्टम 2 जनवरी से लगना ये चालू हो जाता है। इसी तरह का माहौल है यहाँ पर मनाली के माल रोड पर अभी सुबह सुबह के टाइम में। तो बगल में ये कार स्टैंड है, यहाँ पर टैक्सी ऑपरेशन यूनियन का, टैक्सी ऑपरेटर का, तो गाड़ियाँ भी जहाँ के तहाँ लगभग यहाँ पर खड़ी हैं। इस तरफ कुछ ही गाड़ियाँ बाहर आई हैं और कुछ ही लोगों की भीड़ है अभी यहाँ पर। और यहाँ के पेड़ों पर भी देखिए अच्छा खासा बर्फ गिरा हुआ है सुबह सुबह के टाइम में, और कुछ कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट खुलना चालू हो गए मनाली के मॉल रोड पे, छतों पे भी बर्फ जमी हुई है इस तरह की, और माहौल तो अच्छा हो रखा है सुबह सुबह के समय में। इधर खाने के लिए होटल या ढाबे वो खुलने चालू हो गए हैं सुबह सुबह, जिसने खाना पीना हो, तो ये तो टूरिस्ट का सीजन है खासकर बर्फ देखने के लिए आते हैं, तो होटल तो बिल्कुल सुबह सुबह खुल गए हैं जिनको खाना पीना हो, तो डेफिनेटली मनाली मॉल रोड में बर्फ एंजॉय करते हुए गरम गरम नाश्ते का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सैलानी सब ऊपर चले गए हैं पेड़ में जो झाड़ियों में बर्फ जमी हुई है उसको देखने के लिए और उसमें फ़ोटो शूट करवाने के लिए। मनाली मॉल रोड के एक एंड पे पहुंच गए हैं बिल्कुल इस तरफ, यहाँ पे मनाली का मॉल रोड ख़त्म हो जाता है। और बगल में देखेंगे 4x4 ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं क्योंकि यही बर्फ में चल पाएंगी, टैक्सी तो नहीं चल पाएगी, वो तो जहाँ के तहाँ बिल्कुल वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन दोपहर होते होते बर्फ़ पिघलना चालू हो जाएगा तो फिर टैक्सी भी चलना चालू हो जाएगा। और ये इस तरफ आकर मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ से जहाँ से मनाली का मॉल रोड चालू होता है, ये एंट्री पॉइंट है और ये ऊपर की तरफ सीधे चले जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मनाली के मॉल रोड का। ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो मनाली मॉल रोड के रिगार्डिंग तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें इसी तरह के ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।